तो यार वेलकम है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं जैकी और आप देख रहे हैं फ्लॉप गेमर। तो यार काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, भाई के इवेंट ओपन नहीं हो रहा, लिख कह रहा है दिस इवेंट इज़ ओनली ओपन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस। तो यार मैं ये बताता चलूँ, इसमें डिवाइस की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है भाई, ये सिर्फ सर्वर की वजह से होता है। कई बार ऐसा होता है भाई कि मैं आप लोगों को शुरू से क्लियरली बताता चलता हूँ कि भाई हमारे जो इवेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लोग ही एक ही टाइम में ओपन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सर्वर बिजी हो जाता है। और कई बार पीछे से सर्वर के कोई मेंटेनेंस या सर्वर में कुछ गड़बड़ की वजह से वो इवेंट जो होता है कुछ देर के लिए इस तरह हो जाता है। अदरवाइज़ आप लोग चेक करते हो नॉर्मली हमारे जो इवेंट्स आते हैं फ्री फायर में वो ऐसे नहीं होते। स्टार्ट में जब वो इवेंट आता है तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो ओपन नहीं हो रहा होता, लेट ओपन होता है, किसी का खुल जाता है, किसी का नहीं खुलता है, या फिर वो 4-5 घंटे बाद खुलता है। तो इस इवेंट में भाई कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें ये है कि स्पेसिफिक डिवाइसेस लिख के आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई सर्वर डाउन है, मतलब इवेंट के लिए इवेंट में कुछ ख़राबी आई है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन भाई ये शाम तक ठीक हो जाएगा, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मत समझो भाई कि शायद हम अब इसको क्लेम ना कर सकें या हमें ये स्किन मिल ना सके, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इवेंट आप लोगों को वापस जल्दी देखने को मिलेगा, सभी के डिवाइसेस में ओपन होगा, इसमें डिवाइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें सिर्फ सर्वर का होता है। तो जो इवेंट यार आप जो न्यू आते हैं वो जब कई बार स्टार्ट में ओपन नहीं होते उनको कुछ टाइम लगता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कई बार 6 घंटे बाद वो इवेंट ओपन होता है। तो भाई वो सिर्फ सर्वर बिजी होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही न्यू इवेंट लॉन्च करना है ग्रीना वालों ने उसी वक्त सभी के सभी एक साथ उस इवेंट को ओपन करना शुरू कर देते हैं। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एक इवेंट को एक ही टाइम में करोड़ों लाखों लोगों ने एक ही टाइम में उस इवेंट को जब ओपन करना है ना भाई, तो सर्वर पर इतना लोड पड़ना है और उसने बिजी हो ही जाना है। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आ ही जाती हैं सर्वर में भाई, सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर पर इतना ज़्यादा लोड कई बार उससे नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो यार इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रहना है भाई, इवेंट सबको मिलेगा, ये सबको मिलेगा क्योंकि फ्री है ग्रीना की तरफ से। अगर आप लोगों को ना भी मिला भाई फ्री में, जिस तरह भी आप लोगों को पता है कि जो वुल्फ रेहा, यार मुझे उस करेक्टर का नाम नहीं था, लेकिन वो सबको फ्री में मिल रहा था और लास्ट डे में जब उसका एक दिन पड़ा था तो उस वक्त वो इवेंट हो गया गायब। तो कई लोगों ने बोला कि भाई वो इवेंट नहीं आया, मतलब हमें वो फ्री में नहीं मिला, तो करेक्टर रोल में चला गया वो अब करेक्टर, तो हमें फ्री में मिलना था लेकिन नहीं मिला, ये वो काफ़ी क्वेश्चन थे आप लोगों के, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई वो जो था बाद में ग्रीना का एक दिन बाद ठीक 24 घंटे बाद मेल आ गया मेल बॉक्स में कि अगर आप लोगों को वो करेक्टर फ्री में नहीं मिला और आप लोग उसको लास्ट चांस है आप लोगों का उसको फ्री में लेने के लिए, तो अपने इस मेल बॉक्स को क्लेम करो और अपने वॉलेट में जाकर चेक करो और आपको रिवार्ड आपका मिल जाएगा। और भाई ये भी इस तरह हुआ है कि भाई मतलब अगर 10 बंदों के मेल आया, 10 में से भाई 3 बंदों को ही करेक्टर मिला है, इस तरह भी आप मेरे से लगा लो भाई, मुझे खुद पर्सनली वो करेक्टर नहीं मिला, मुझे मेल आया कि क्लेम करो और आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने क्लेम किया और मुझे वो नहीं मिला। तो इट्स मीन कि भाई इसमें मतलब ग्रीना की गलती नहीं होती, सर्वर प्रॉब्लम होता है भाई, सॉफ्टवेयर इशू हो जाते हैं टेक्निकल, तो इस वजह से भाई ये सब कुछ हुआ और मुझे भी नहीं मिला। लेकिन भाई मैंने ग्रीना को कोई कसूर नहीं निकाला, क्योंकि कोई चक्कर नहीं है भाई, फिर से ये उधर 500 डायमंड में आ ही जाएगा तो हम वहाँ से क्लेम कर लेंगे। तो यार भाई ये थी हमारी कुछ वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली डिटेल बता दी है इस इवेंट की, तो आप लोग टेंशन मत लो, कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं है भाई। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो, और फ्लॉप गेमर फैमिली का हिस्सा बन जाओ भाई। और मैं इसके साथ बताता चलूँ भाई, मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अगर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ भाई, और आप लोग स्ट्रीम पर आते रहना भाई, गिव अवे होगा इस बार फिर से स्ट्रीम पर। तो यार इसी के साथ मुझे दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।